अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पटना के कारगिल चौक पर सरकार के खिलाफ जमकर रोजगार जैसी समस्या को लेकर प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कार्यकर्ताओं से कहा कि बेरोजगारी बिहार में आज चरम पर है, रोजगार ढूंढो कार्यक्रम के तहत आज बेरोजगारी और रोजगार की समस्या को लेकर एसटीआईटी रद्द करने का निर्णय को लेकर प्रदर्शन किया। बिहार में युवाओं को रोजगार का अवसर बिल्कुल कम हो गया है। एक और कोविड 19 जैसे महामारी में आज युवा दर बदर भटक रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बिहार सरकार स्टेट को क्रिएट कर उनको रद्द करती जा रही है। ऐसे में हम बिहार सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द अपने इस छात्र विरोधी निर्णय को वापस ले। देखिए पटना से 24 लाइव के लिए संवाददाता रंजीत कुमार की रिपोर्ट। बिहार सरकार से रोजगार और शिक्षा के मुद्दे पर विद्यार्थी परिषद एक क्रमबद्ध तरीके से आंदोलन कर रही है। उसी आंदोलन के क्रम में आज बिहार सरकार से हम लोग ये मांग करते हैं कि कहाँ है ये रोजगार। युवा पूछ रहा है कि कहाँ है शिक्षा, कैसी शिक्षा, जहाँ हर समय जो है अपने एसटीईटी परीक्षा जो रद्द किया है, तो एक दिन पहले परिणाम आने वाला रहता है, आप अगले दिन उसे परीक्षा को रद्द कर देते हैं। एक तो आप रोजगार नहीं देते हैं, रोजगार का जब अवसर देते हैं तो उसे फिर रद्द करते हैं। युवा दम बेहाल है, आप कहते हैं कि बिहार में रोजगार है, कहाँ है? हम शौच लेकर लाइट लेकर हम खोज रहे हैं कि रोजगार की है कहाँ। नाम बताइए। क्या नाम बताइए? किसान जिला संयोजक है भाई। राज्यों में पलायन कर जाता है। हम चाहते हैं कि बिहार सरकार यहाँ की युवा शक्ति को उनके जो डिजर्व करते हैं। नाम बताइए। अंजना सिंह।